स्टूडेंट्स इन माई यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्मोकोलॉजी टुडे बी डिस्कसिंग अबाउट द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आपको इस्टीमिक हार्ट डिजीज़, हमने पढ़ाया था इस्टीमिक हार्ट डिजीज़ में हमने एंजाइना भी देखा था और साथ में हमने MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देखा था। तो यहाँ मैं आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स दोनों भी यूज़फुल होती हैं MI में भी, क्योंकि जो एंजाइना की कॉम्प्लिकेशन है वो केस में कन्वर्ट होते हैं MI में। तो एंजाइना में अगर हम हील करते हैं तो MI जैसी कंडीशन इंड्यूस नहीं हो सकती। तो एंजाइना की जो ड्रग्स होती हैं उसमें आपकी जो सिलेबस में है वो नाइट्रेट्स हैं दे रखी है, तो नाइट्रेट्स को हम पढ़ेंगे। बाकी ड्रग है कैल्शियम ब्लॉकर वो हम पढ़ चुके हैं और बीटा ब्लॉकर भी पढ़ा चुका हूँ, तो केवल आपको नाइट्रेट्स इसमें पढ़ाऊँगा आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर दोज डैट प्रिवेंट अबॉर्ट और टर्मिनेट अटैक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि वो ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के अटैक को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं या टर्मिनेट करती हैं, वो सभी ड्रग क्या हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेट्स पहले आते हैं। नाइट्रेट्स को भी डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट यानी कि वो नाइट्रेट जो कि बहुत जल्दी एक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्शन देते हैं, जैसे ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन्स, इसमें एक प्रोडक्ट आता है आपका। और लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं उसमें आपको लॉन्ग टाइम तक ये अपना रिलीफ देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग एक्टिंग मतलब लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देने वाले। इसमें आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है शॉर्ट एक्टिंग, बट सबलिंगल रूट से शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रेटाइल ट्राइनाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रेटाइल टेट्रानाइट्रेट, तो ये सभी ड्रग्स हैं दैट आर गिवन टू द सबलिंगल रूट्स एंड ऑल्सो गिवन द ओवरऑल रूट्स एंड प्रोड्यूस ए वैसोडायलेशन एक्शंस। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कैटेगरी बीटा ब्लॉकर आते हैं। बीटा ब्लॉकर भी आपके यूज़ किए जाते हैं, प्रोपेनॉल, मेटाप्रोनॉल, एड्रेनालोल और अदर्स और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेलापामिल, नेफेडिपिन, फिलोडिपिन, अमेलोडिपिन, नाइट्रेडिपिन, नीमोडिपिन, लेसिडिपिन, लेनेडिपिन, बेनेडिपिन। ठीक है, और इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं जो आल्सो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसमें आपका निकोरेंडिन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अब नाइट्रेट से। नाइट्रेट्स क्या है, ऑल द ऑर्गेनिक नाइट्रेट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड देयर हैव मेजर एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स एंड डायलेट देम। जितने भी आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं वो मेजोरिटी आपके एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं और सभी का मेजर एक्शन जो होता है ब्लड वेसल्स पे होता है, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने कभी नाम सुना होगा सॉबिट्रेट नाम, सॉबिट्रेट जो ड्रग आती है मार्केट में वो क्या है, नाइट्रेट्स हैं। जिसको कोई हार्ट अटैक, किसी को अगर इंजन का पेन हो रहा है हार्ट में, तो उसको टंग के नीचे जब सबलिंगल रूट से हम उसे ड्रग देते हैं तो वो टंग के नीचे रखने पर क्रश हो जाती है और ऑब्जर्व होने के बाद तुरंत उसके हार्ट से जो पेन हो रहा होता है उससे रिलीफ मिल जाता है, यानी कि एंजाइना के जो सिम्टम्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो ये सब ड्रग जो होती हैं वो क्या है, नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मोड ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म एक्शन की। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट रैपिडली डीनाइट्रेटेड एंजाइमेटिकली इन द स्मूथ मसल्स टू रिलीज द रिएक्टिव रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज एक्टिवेट साइटोसोलिक गुआनाइल साइक्लेज, जो साइटोसोलिक गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से CGMP लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और CGMP लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है कि डीफॉस्फोलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो प्रोटीन होती है उसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है थ्रू द CGMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज से। ठीक है, और ये डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज के कारण क्या होता है, इनकी एबिलिटी कम हो जाती है। ये डीफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या होता है, फॉस्फोलेटेड MLC के कम हो जाते हैं, तो रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द फॉस्फोलेटेड एनी एक्टिव MLC के यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इंटरफेयर द एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन। और ये जब कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है, मायोसिन होती है वो एक्टिवेशन, मायोसिन प्रोटीन की एक्टिवेट नहीं हो पाती। जब मायोसिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी, जब बाइंड नहीं हो पाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाएगा, यानी कि मायोसिन एक्टिव नहीं है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जब आपस में इंट्रैक्ट होती हैं तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जब मायोसिन प्रोटीन एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेशन नहीं होगा तो इट फेल द इंट्रैक्ट विद एक्टिन प्रोटीन, प्रोटीन से इंट्रैक्ट नहीं हो पाएगी और कॉन्ट्रैक्शन भी फेल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। कॉन्सिक्वेंस रिलैक्सेशन, अगर जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं एंड राइज इंटरसेलुलर CGMP आल्सो इंट्रोड्यूस द कैल्शियम इंट्री, और बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर CGMP लेवल बढ़ने के कारण कैल्शियम की इंट्री भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो आल्सो कंट्रीब्यूट करता है रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है,
तो ये इसकी मोड ऑफ एक्शन होगा। मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जो आपका ये है, ये आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोडाइलेटर्स जो हैं, नाइट्रोडाइलेटर्स आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में पहुँचे। ये एंजाइमेटिकली डीनेचुरेटेड हो गया, कि रिलीज किया हुआ एक्टिव रेडिकल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ। और एक्टिव रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, जो आपका ग्वानिन ट्राईफास्फेट है उससे आपका साइक्लिक ग्वानिन मोनोफास्फेट का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी GCEMP का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। और जितना ज़्यादा GCEMP का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो CGMP क्या करेगा, दो काम करेगा। पहला क्या करेगा, जो MLC के P में चेंज हो रहा था, यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फास्फोलेट में चेंज हो रही थी, इसको रोक देगा, यानी कि जो प्रोसेस ये वाली प्रोसेस है ये रुक जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन के लाइट चेन काइनेज फास्फोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो मायोसिन क्या होगी, एक्टिव फॉर्म, मायोसिन जो प्रोटीन है वो एक्टिव प्रोटीन में चेंज नहीं होगी। और जब एक्टिव प्रोटीन में चेंज नहीं होगी तो ये मायोसिन एक्टिन इंट्रैक्शन नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी फेल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस स्टेप को रोकने की वजह से क्या होगी, आगे की स्टेप प्रॉपर तरीके से, इस स्टेप को रोकने की वजह से आगे की स्टेप सब रुक जाती हैं ना, मायोसिन एक्टिव नहीं होगी तो मायोसिन एक्टिन के साथ में बाइंड नहीं होगी, जब बाइंड नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके साथ में ये CGMP लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, कैल्शियम जो चैनल होता है वो आपका इनहिबिट होने लगता है, रुकने लगता है, जैसे कैल्शियम की एंट्री कम हो जाती है। और कैल्शियम के जब आयन कम आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, रिलैक्सेशन इंड्यूस करते हैं। तो ये हुआ आपका मोड ऑफ एक्शंस यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स की, कैसे काम करते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट वैसोडायलेटर डायलेट द बीन्स मोर देन आर्टरीज, ये बेसिकली बीन्स को मोर डायलेट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्टरी। इसकी वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न जो होता है वो कम हो जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड लेकर आने का काम किसका होता है, बीन्स का होता है। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ये सभी क्या होती हैं, ब्लड लेके आती हैं हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। कहाँ लेके आएंगी, हार्ट में लेके आएंगी। और यही बीन्स जो होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा डायलेशन होने की वजह से क्या होती हैं कि बेंस डायलेट ज़्यादा हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक ब्लड का जो रिटर्न हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर रिटर्न जो वीनस रिटर्न होता है वो कम हो जाता है, यानी ब्लड जो है हार्ट में कम आएगा। जिसकी वजह से ब्लड हार्ट में कम आएगा तो दिस रिजल्ट पीरियड ऑन द हार्ट इज रिड्यूस, जिसकी वजह से हार्ट पे जो पीरियड है वो आपका कम हो जाएगा। और जब लोड कम है हार्ट पे तो डिक्रीज द कार्डिक मसल्स वर्किंग, जिससे हमारे कार्डिक मसल्स को वर्किंग भी कम करेगी। जब कार्डिक मसल्स को वर्किंग कम करनी पड़ेगी तो इसके साथ साथ क्या होगा, कार्डिक वाल टेंशन भी कम हो जाएगा। जब रिड्यूस द कार्डिक वाल टेंशन, जब कार्डिक जो कार्ड हार्ट की जो वाल है उस पर टेंशन कम पड़ेगा, क्योंकि ब्लड कम आया है। और ब्लड जब कम आया है तो उसका प्रेशर भी टेंशन प्रेशर भी मसल्स ऑफ हार्ट पे कम पड़ रहा है, तो यानी कार्डिक वाल टेंशन भी रिड्यूस हो जाता है। और जब सब कुछ लोड भी कम हो गया, टेंशन भी कम हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, रिडक्शन इन द कार्डिक लोड। जो कार्डिक लोड कम होने से जो O2 कंजप्शन है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाती है, जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है और डिमांड भी कम हो जाती है। और हमको यही करना है, क्योंकि मैंने आपको एंजाइना में बताया था, एंजाइना में हो क्या रहा था कि डिमांड O2 की बढ़ जा रही है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है मायोकार्डियल मसल्स के लिए, लेकिन सप्लाई कम हो जा रही है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डिमांड को कम करना है, सप्लाई को बढ़ाना है। वहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। इन एंजाइना पेशेंट में क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिमांड हम कम करेंगे तो रिलीफ मिलेगा और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो रिलीफ मिलेगा। यानी प्रीलोड ऑफ, अगर हम हार्ट के प्रीलोड को कम करते हैं तो O2 की डिमांड कम हो जाती है। O2 की डिमांड कम होगी तो O2 का कंजप्शन कम हो रहा है तो O2 की डिमांड कम हो जाएगी, जो हेल्पफुल होगा फॉर द एंजाइना सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रेट वैसोडायलेटर आल्सो प्रोड्यूस सम डायलेशन इन द आर्टरी। नाइट्रेट वैसोडायलेटर्स होते हैं कुछ आपके ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करते, जो आपके आर्टरी होती है उसको भी डायलेट करते हैं। दिस रिजल्ट डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस द आफ्टर लोड ऑन द हार्ट। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेस जो ब्लड के फ्लो जो हम ब्लड पंप करते हैं हार्ट से, जो ब्लड पंप होता है और जो ब्लड पंप होने के बाद डिफरेंट आर्टरी आर्टा से होता हुआ सर्कुलेट होता है, तो उसके जो ब्लड फ्लो होने के लिए जो उस ब्लड को आगे बढ़ने के लिए जिस रेजिस्टेंस को अगेंस्ट में वो ब्लड फ्लो होता है उसको हम पेरीफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपका ब्लड आर्टरी होती है वो डायलेट हो जाएंगी है, डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंट है, जो प्रेशर लग रहा है ब्लड फ्लो होने के लिए, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जिस तरह सोच सकते हैं, कोई एक पाइप है वो पतला है और उसमें आप पानी बहा रहे हैं तो पीछे से प्रेशर होगा पानी पास करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो पाइप का जो डायमीटर है उसको हम बढ़ा दें, पाइप को जो डायमीटर का बढ़ा देंगे, उसका ल्यूमन बढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर और पानी जो पीछे से हम
प्रेशर पानी को बाहर लगाने के जो प्रेशर होगा वो कम करना पड़ेगा, यानी कि वो तो आसानी से फ्लो हो सकता है। यहीं पर ऐसी सेम यहाँ पर प्रोसीजर होता है, जब हार्ट जो ब्लड पम्प कर रहा है तो यहाँ पर क्या आर्टरी, अगर वो आर्टरी का जो डायमीटर है वो कम होगा तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड पम्प करने के, यानी टोटल पेरिफेरेशन ज़्यादा है। अगर आर्टरी आपकी डायलेट हो जाती है तो ब्लड को हार्ट जब पम्प करेगा तो उस कंडीशन में जो जो ब्लड वेसल्स है वे जो जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि आर्टरी जो है वो डायलेट हो गई है इस वजह से, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, जब प्रेशर हार्ट को कम लगाना पड़ रहा है तो इनडायरेक्टली क्या होगा, रिड्यूस आफ्टर लोड, जो आफ्टर लोड है यानी पंप ब्लड को पंप करने के बाद जो लोड होता है वो हार्ट पे वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कार्डियक वर्किंग भी कम हो जाएगी, कार्डियक वर्किंग होने के साथ में कार्डियक वाल टेंशन भी कम होगा, जिसकी वजह से O2 कंजप्शन कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्या हुआ कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरह से कम हो रही है, चाहे मैं आपका चाहे इसके कारण पी लोड ऑन हार्ट रिड्यूस हो रहा है, चाहे पी लोड कम हो रहा है या आफ्टर लोड कम हो रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट प्रोड्यूस बिगेस्ट रिलैक्सेशन द कोरोनरी आर्टरी देन द अदर आर्टरी एंड वेंस। ये भी दिखा गया है कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी में मैक्सिमम रिलैक्सेशन करते हैं, मैक्सिमम रिलैक्सेशन करेंगे, बिगेस्ट रिलैक्सेशन करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर आर्टरीज एंड द वेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका इस्टेमिक एरिया ऑफ द हार्ट में इन एंजाइना पेशेंट में बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड है वो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचेगा। इस्टेमिक एरिया मैंने आपको बताया था जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो गई है इन जिन टिश्यू में, उसे हम इस्टेमिक एरिया ऑफ द हार्ट कह सकते हैं, वो टिश्यू हार्ट के जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच रहा है, डेट इज़ द इस्टेमिक एरिया ऑफ द हार्ट। तो उन एरिया में ऑक्सीजनेट ब्लड ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचेगा, जब क्वांटिटी में पहुँचेगा तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ O2 टू द कार्डिक मसल्स। यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बढ़ गई है कार्डिक मसल्स में, तो वो भी क्या करेंगे, रिलीफ करेंगे इन द एंजाइना पेशेंट के सिम्टम्स में। तो बात यहाँ पर हमने दो चीज़ की, यहाँ पर हमने क्या किया, प्री लोड कम करने से और आफ्टर लोड कम करने से हमने डिमांड को कम किया, और यहाँ पर जब बिगेस्ट रिलैक्सेशन इन द कोरोनरी आर्टरी हुई तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ O2 ऑक्सीजन ब्लड को बढ़ा दिया। तो यही हमें करना था कि रिलैक्सेशन जिससे मिल जाए या रिलीफ मिल जाए एंजाइना पेशेंट के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इन एंजाइना में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर डिमांड कम करनी है, सप्लाई कम हो रही है एंजाइना में, तो यहाँ पर हमें ठीक करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो सप्लाई भी बढ़ गई और डिमांड भी कम हो गई। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत जल्दी सिम्टमिक रिलीफ देता है इन एंजाइना पेशेंट के लिए। इसी सॉर्बिट्रेट हैं, सॉर्बिट्रेट के डेरिवेटिव हैं, नाइट्रेट्स हैं, बहुत इमीडिएटली यूज़ किए जाते हैं फॉर द सिम्टमिक रिलीफ इन द एंजाइना पेशेंट्स। इसके अलावा एक और काम होता है, नाइट्रेट डायलेट द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड जीआई ट्रैक। ये स्मूथ मसल जो आपकी ब्रोंकाई में है और जीआई ट्रैक में है उसको भी ये कुछ हद तक डायलेट करते हैं। अब बात करता हूँ ADME की, तो ADME ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मेजोरिटी ऑब्जर्व आपके बकल म्यूकोसा से हो जाते हैं, मतलब आपके बकल कैविटी में ये ऑब्जर्व हो जाते हैं, बकल कैविटी के थ्रू हम सबलिंगर रूट के थ्रू इसे दे सकते हैं, साथ में से ओरल कैविटी दे सकते हैं, लेकिन ओरल रूट से देने पे दिक्कत ये होती है, कुछ नाइट्रेट्स होते हैं वो आपके लीवर में जाके इनएक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से इनका बायोअवेलेबिलिटी या एक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ये मेटाबोलाइज लीवर में होंगे, ब्लड वेसल्स में कुछ एंजाइमेटिकली मेटाबोलाइज होते हैं और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से आउट हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ तो ज़्यादा कोई हैवी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, हेड फुलनेस इन हेड थम्बिंग हेडेक होता है, सम डिग्री ऑफ टॉलरेंस डेवलप इन द कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू यूज़ करें तो उसकी डोज को रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ जाती है, वो टॉलरेंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्रैक्शन में ये इसका है वो सिडेनाफिल के साथ में, सिडेनाफिल कॉज डेंजरियस पोटेंशियल्स ऑफ द नाइट्रेट एक्शंस। अगर सिडेनाफिल को हम नाइट्रेट के साथ में देते हैं तो जो आपका नाइट्रेट का जो एक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन के कारण कभी कभी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब आपका सीवियर हाइपरटेंशन होगा तो उस कंडीशन में जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारा ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा, जब ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो उससे डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिडेनाफिल को कभी भी नाइट्रेट के साथ ना दें। सिडेनाफिल एक जो एक ड्रग है जो आपके बेसिकली यूज़ की जाती है आपके इरेक्टाइल डायफंक्शन में, आप पढ़ेंगे आगे, तो सिडेनाफिल कभी भी नाइट्रेट के साथ ना दें। अब बात करूँ इसके यूज़ की, यूज़ हम इन कंडीशन में करते हैं, इन द एंजाइना पेक्टोरिस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी यूज़ करते हैं, इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, इन CHF एंड LVF, CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अक्यूट LVF मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, दोनों कंडीशन यूज़ करते हैं, और साथ में इसे इन ईसोफेगियल स्पाज्म, अगर ईसोफेगस में स्मूथ मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है
तो इसोफेगस में हमें पेन महसूस होता है, उसको निशुगम इसोफेगियल स्पाजम कहते हैं, उसमें भी इसे यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका नाइट्रेट्स और एंटी एंजल ड्रग्स। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस में अगर आपको समझ में नहीं, कोई क्वेश्चन बन रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आगे क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि किसी को वीडियो शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट डक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।